कोरोना की दूसरी लहर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आज 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर निकले हैं। वाराणसी पहुंचने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मोदी का स्वागत किया। पीएम ने काशी को 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 736 करोड़ 38 लाख की विकास परियोजनाओं और 417 करोड़ 68 लाख लागत की परियोजनाओं का मोदी शिलान्यास करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, विकास, जल निगम, ऊर्जा, सिंचाई आदि परियोजनाएं शामिल हैं। काशी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसका भी वह जायजा लेंगे। पीएम मोदी ने जापान के सहयोग से बन रहे कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया। रुद्राक्ष को 2.87 हेक्टेयर की जमीन पर 186 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं तथा इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। इस सम्मेलन केंद्र में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि काशी ने मोदी के नेतृत्व में देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई है। नई काशी ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को साथ लेते हुए खुद को स्मार्ट काशी के रूप में विकसित किया है। पीएम मोदी ने यूपी की तारीफ की और कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद भी जिस तरह से यूपी ने कोरोना की दूसरी लहर को संभाला है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं की पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद दिया। परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पर मोदी ने आभार जताया और कहा कि बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से हो रहा है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा यूपी में होने वाले चुनावों के कारण भी अहम है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज करने वाले हैं। यूपी में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के कारण राजनीतिक और चुनावी तौर पर यूपी को अहम क्षेत्र माना जा रहा है। चुनाव के कारण जारी गहमा गहमी को देखते हुए अब यूपी की कमान पीएम मोदी ने संभाल ली है।